हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभंकर स्वागत करता हूं आपका ही हेल्पिंग यूट्यूब चैनल टेस्ट लाइन टेक पर। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। इस वीडियो में मैं आपको बताएंगे कैसे आप ग्रीन स्किन का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो अपने काइन मास्टर के इस्तेमाल करके। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताते जाऊंगा। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना एंड वीडियो के कई भी स्टेप्स आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करके चले जाते हो, स्टेप होगा जो आपको पता नहीं चलेगा एंड आप वो इफेक्ट नहीं दे सकते हो एंड उस तरीके से वीडियो आप नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लास्ट तक देखिए एंड स्किप बिल्कुल ही मत कीजिए। अगर वीडियो आपका अच्छा लगता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया। काइन मास्टर ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको करना है प्लस का आइकन के ऊपर क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे अपना रेडियो पूछेगा। आप यहाँ पे कोई भी रेडियो चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेडियो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड डालना है। जैसे कि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताएंगे, जैसे कि आप थंबनेल में देखा ही होंगे, कोरोना वायरस से कैसे प्रोटेक्शन लेते हैं, कैसे मास्क पहनना होता है, वो वीडियो मैं यहाँ पे बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि थंबनेल में भी दिया हुआ होगा, उसी टाइप का वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड लेने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मास्टर की तरफ से बैकग्राउंड मिलते हैं, यहाँ पे ले चुका हूँ। लेने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं एक प्लेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्लेस लेने के लिए आपको जाना है लेयर के ऊपर। लेयर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है मीडिया। मीडिया पे क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ पे अपना प्लेस सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्लेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पे एक प्लेस सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे अपने हिसाब से प्लेस को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये प्लेस को एडजस्ट कर लिया एंड इसको मैं बढ़ा देता हूँ। बढ़ा देने के बाद यहाँ पे आपको करना है, आपने जो ग्रीन स्किन वाला वीडियो बनाया होगा अपने तरीके से, मैं यहाँ पे दो ग्रीन स्किन वीडियो यहाँ पे डालूंगा। जैसे कि एक आदमी का एंड एक वायरस का, मैं एक ग्रीन स्किन वीडियो दोनों डाल के यहाँ पे इफेक्ट डालूंगा एंड वो ग्रीन स्किन रिमूव करके मैं अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी का वीडियो मैं आपको बना के यहाँ पे दिखाऊंगा। अपना जो ग्रीन स्किन वाला वीडियो है वो लाइए, यहाँ पे एडिट कीजिए। तो ग्रीन स्किन वाला वीडियो लाने के लिए फिर आपको एक बार जाना है लेयर के ऊपर। लेयर के ऊपर आने के बाद फिर आपको क्लिक करना है मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो जो भी फाइल में रखा होगा वहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे वो वीडियो रखा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि वो वाला वीडियो मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है। दोस्तों, जैसे कि ये वीडियो मुझे मिल गया, आदमी का वीडियो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पे मैं इस साइड में लगा देता हूँ। इस साइड में देने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना है टिक। अपने हिसाब से जो भी साइड में आप लगाना चाहते हो उस साइड में आप यहाँ पे दे सकते हो। देने के बाद यहाँ पे आपना एडजस्ट करना है। अब आपको करना है इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो ग्रीन स्किन वाला जो बैकग्राउंड है, उसको आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए प्रोसेस दोस्तों अलग है। रिमूव करने के लिए आपको क्लिक करना है वो वाला वीडियो के ऊपर। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपका आना है क्रोमा की के ऊपर। दोस्तों, ये आपको पता होगा, क्रोमा की इनेबल कर देने से वीडियो आपका जो बैकग्राउंड पीछे वाला होता है वो हट जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको और एक टिप्स बताऊंगा कैसे जो बैकग्राउंड हटते हैं लेकिन जो हमारा जो क्रिएटर होता है उसका फेस, उसका क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो जाए। मैं आपको बताएंगे कैसे हाई क्वालिटी का वीडियो यहाँ पे एडिट कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रोमा की को ओपन कर लेता हूँ। क्रोमा की ओपन कर लेने के बाद दोस्तों देख सकते हो ये ब्लैक हो गया। आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। जैसे कि वो आदमी जो दिख रहा है इसको पूरा व्हाइट कर देना है। व्हाइट कर देने के बाद नीच में जो इसको है इसको आपको ब्लैक कर देना है। ये कर लेने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो क्रिएटर है वो बिल्कुल फ्रेश देखेगा, जो बैकग्राउंड है पूरे तरीके से रिमूव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे करना है सिलेक्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मेरे जो क्रिएटर है बिल्कुल साफ तरीके से आ रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। फिर आपको क्या करना है, जो और एक लेयर लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आऊँगा वायरस का जो एनिमेशन वीडियो है वो यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ कैसा यहाँ पे इफेक्ट होता है। वो डालने के लिए फिर आपको जाना है लेयर के ऊपर। आने के बाद फिर मीडिया पे आना है। आने के बाद वो वाला वीडियो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये वीडियो है, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ। कर लेने के बाद यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा। कर लेने के बाद फिर आना है क्रोमा की के ऊपर, फिर इसको करना है इनेबल। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से मेरा वीडियो आने वाला है, जैसे कि बैकग्राउंड पूरा तरीके से ब्लैक हो गया। इसके बाद आपको करना है टिक। टिक कर लेने के बाद दोस्तों
आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड हमारा है वो रिमूव हो चुका है एंड वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है। मैं आपको आप इसको प्ले करके दिखाता हूँ कैसा वीडियो हमारा लगता है। मैं फिर प्ले कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो मेरे इफेक्ट है बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। अपना जो भी ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है आप ला सकते हो काइन मास्टर पे एंड यहाँ पे अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। इसी प्रकार करके अपना जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो यहाँ पे बना सकते हो, ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हो क्रोमा की के मदद से एंड जितना चाहो यहाँ पे लेयर आप दे सकते हो। मैं बस दो लेयर दिया हूँ यहाँ पे, एक मैन का है एंड एक जो है वो वायरस का है। दोस्तों दो इफेक्ट मैं यहाँ पे दे के वीडियो बनाया हूँ। आपको बस क्या करना है मैं और एक बार प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद आपको एक प्लेस सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है इसको प्लेस सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो ब्लू स्क्रीन वाला वीडियो है वो ले लेना है। जैसे कि पहले मैं इसको मैन को लिया है, लेके मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया। फिर मैंने लिया ये वायरस का जो एनिमेट है उसको मैं लिया। लेने के बाद क्रोमा की मदद से क्रोमा की इनेबल करके वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर जाके आप लोग देख सकते हो जो मेरे वीडियो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप लोग इसी प्रकार काइन मास्टर पे आके ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी से बना सकते हो। जो मैं प्रोसेस बताया इसी प्रोसेस अगर आप दोहराओगे तो दोस्तों यहाँ पे अपना वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो दोस्तों कमेंट पे जरूर कीजिए, और अगर कुछ जानना है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है दोस्तों कमेंट पे आके जरूर बताना। मैं 100% रिप्लाई करूंगा आपका कमेंट पर। दोस्तों वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इसी तरह इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, अभी तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।